एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है नई सुबह और स्टार्ट करते हैं नया ब्लॉग। सो वी आर गोइंग टू वैम्प। टोटल डिस्टेंस बिटवीन वैंकूवर टू वैम्प 850 किलोमीटर एंड टोटल टाइम अप्रॉक्स 9 आवर्स 30 मिनट। बट हमें वहाँ तक पहुँचने में आई थिंक 12 आवर्स लगे, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि कंटिन्यूस कोई ड्राइव नहीं कर सकता 9 घंटे तक। तो हमने काफ़ी सारे स्टॉपेज पॉइंट्स बनाए थे। We started from our house at 6 a.m. and we reached here approx 7 o'clock because British Columbia and Alberta के बीच 1 hour का टाइम जोन डिफरेंस है। सो जहाँ हमें वहाँ 6 o'clock पहुँचना था, 1 hour के टाइम डिफरेंस के कारण हम वहाँ 7 o'clock पहुँचे। Our first stop point was Cultus Lake. That is so beautiful lake, and वहाँ पर बहुत सारे और भी चीज़ें थी जैसे water park, but हम वहाँ काफ़ी early morning पहुँचे थे तो सब कुछ close था उस time. सेकेंड स्टॉप वॉज कैमलूप, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। सो ये भी सिटी काफ़ी अच्छी थी। थर्ड स्टॉप वॉज रिवर स्टॉक सिटी, यहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक के मूड में थे। काफ़ी सारे लोग थे और पिकनिक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लेक भी था। एंड लास्ट स्टॉप वॉज गोल्डन सिटी। Okay, so parking lot number. And now finally we reached our destination point. This time we booked Airbnb. दिस इज कैनमोर। हम लोग वैम्प में ना रुक कर कैनमोर में रुके थे, बिकॉज वैम्प काफ़ी एक्सपेंसिव था। एंड कंपेयर वाइज कैनमोर होटल एंड कोई भी एयरबीएनबी काफ़ी सही प्राइस में था। सो हम लोग यहाँ रुके। और मेरा एक्सपीरियंस एयरबीएनबी में काफ़ी अच्छा रहा, होटल से भी बहुत अच्छा। एंड नेक्स्ट टाइम मैं 100% यही प्लान करूँगी कि मैं हमेशा एयरबीएनबी ही बुक करूँ, क्योंकि मुझे एयरबीएनबी होटल से बहुत ही अच्छा लगा। दिस इज़ 2 BHK अपार्टमेंट एंड दैट कॉस्ट वॉज $400 पर नाइट।
फर्स्ट वी चेक इन हियर एंड आफ्टर दिस वी वेंट फॉर डिनर एंड उस दिन हमने और कुछ भी नहीं किया, बस डिनर खत्म किया अपना एंड सो गए। Hello.